Hello everyone and a very good morning to all of you. Main hu Manish Mishra and welcome back once again to the session of government scheme. Guys, in today's session we are going to discuss another very important scheme jiska naam hai One Nation One Ration Card. Aaj hum padhenge One Nation One Ration Card ke bare mein aur hum janenge ki is scheme ko kyun launch kiya gaya, kis liye launch kiya gaya, kiske dwara launch kiya gaya, iski kya importance hai, kya significance hai aur iske kya provisions hai, kya current practice follow hoti hai aur is scheme ke implement ho jane ke baad kya cheeze improve hongi. ओके सो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द सेम वे जो कि हम करते आ रहे हैं. पहले हम वो चीजें करेंगे दैट वी कैन डू लॉजिकली एंड देन वी विल मूव ऑन टू दैट पार्ट दैट यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू रिमेंबर. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू डिस्कस किस स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया. ओके सो गाइज, वी ऑल नो दैट इन द रूरल एरियाज और इन सम अर्बन एरियाज ऑल्सो देर आर वेरियस एम्प्लॉयमेंट इशूज. बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट इशूज हैं क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, प्रॉपर इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप नहीं है. सो वहाँ के जो लोकल पीपल है उनके पास हमेशा प्रॉब्लम रहती है जॉब्स की और दैट इज वाई वो वहाँ से माइग्रेंट करके बड़े शहरों में जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके सो दीज आर सम माइग्रेंट लेबर्स. अब इनके पास जॉब्स नहीं है. ओके अब जॉब्स नहीं है तो इनके पास मनी नहीं होगा. अगर मनी नहीं होगा तो इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से और ना ही इनके पास हेल्थ फैसिलिटीज होगी और जो इनकी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो बेसिक लाइफ है, इनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाएंगी. ओके सो यहाँ पे इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की. अब इन्होंने सोचा कि चलो हम यहाँ से चल के शहर जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, लेट्स गो टू द सिटीज एंड फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट, ऐसा इन सब ने सोचा मिलके. बट जब ये सिटीज जाएंगे तो इनके साथ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है कि जब ये सिटी में जाएंगे तो इनको जाते ही काम तो नहीं मिल जाएगा. ओके अब इन्हें अगर जाते ही काम नहीं मिल रहा है तो इनका जो मेन सबसे जो ह्यूमन बीइंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज फूड. वो जो फूड की चीज़ है, फूड की नीड्स है, वो भी इनकी फुलफिल नहीं हो पाएंगी बिकॉज यहाँ पे इनका जो लोकल स्टेट था, लोकल विलेज था, लोकल डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे तो इनको PDS में मिल जाता था बट क्योंकि PDS जो है वो केवल डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस, जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स होते हैं वो केवल उनको ही दे पाते थे इससे पहले. सो इनके पास ये बड़ी समस्या थी कि अपनी फूड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. सो अब इनके सामने ये समस्या खड़ी हुई कि अब हमारे पास यहाँ पे जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, यहाँ पे एटलीस्ट हमें PDS से खाना मिल जाता है, फूड मिल जाता है, जो हमारी फूड की डिमांड्स हैं, फूड की नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं. बट अगर हम शहर चले गए तो जब तक हमें काम नहीं मिलेगा तब तक हमारी जो फूड की नीड्स हैं वो कैसे पूरी होंगी, ये इनके सामने सबसे बड़ा सवाल है. और इसी बीच मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि भाइयों बहनों अब कहीं से भी राशन मिल सकता है, हमने वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को रोल आउट कर दिया है थ्रू आउट द कंट्री. एंड देन ये लोग काफ़ी अच्छे खुश हो गए एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड वहाँ पे जाके इनकी जो फूड की नीड्स थी वो फुलफिल हो जाएंगी क्योंकि अब ये किसी भी PDS शॉप से जाके अपना राशन कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ये कहीं से भी आए हो. इनका जो डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप है या डेजिग्नेटेड PDS है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये कहीं से भी जाके अपना राशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो आई होप आप इसको आपको इसका जो बेसिक ओवरव्यू है समझ में आ गया होगा कि इसको क्यों लॉन्च किया गया. गाइज, बेसिक जो इसका एम था लॉन्च करने का वो यही था क्योंकि इससे पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि जो भी डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप हैं केवल वहीं से राशन कार्ड राशन उठाया जा सकता था. अगर मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ पे डेजिग्नेटेड FPS है, वहाँ से मेरे को राशन मिलेगा तो मैं केवल वहीं से ले सकता था. बट आफ्टर रोलिंग आउट दिस स्कीम वन नेशन वन रेशन कार्ड, इसके बाद क्या होगा कि मैं अगर किसी दूसरी सिटी में भी जाता हूँ तो मैं वहाँ जाके भी अपना राशन कलेक्ट कर सकता हूँ. ओके एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी ऑब्जेक्टिव. सो गाइज, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव आर वेरी क्लियर नाउ. सो इट सीक्स टू प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑल अक्रॉस द नेशन. और आप सबको पता होगा दैट ड्यूरिंग द आत्मनिर्भर पैकेज, इन द आत्मनिर्भर पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा था अंडर दिस PDS. ओके एंड दिस मीन्स पुअर माइग्रेंट वर्कर्स विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज राइस एंड वीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री सो लॉन्ग एज देयर राशन कार्ड्स आर लिंक्ड टू आधार. And ration card portability is it is aimed at providing intrastate as well as interstate portability. यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश से अगर कोई उत्तर प्रदेश जाएगा तो उसको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में तो मिल जाएगा, लेकिन विद इन मध्य प्रदेश अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाएगा वो तब भी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लो उसका यहाँ पे डेजिग्नेटेड है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी ले सकता है. तो इंट्रास्टेट भी है और इंटरस्टेट भी है. ऑलराइट एंड गाइज, मिनिस्ट्री इज प्रेटी मच क्लियर. द मिनिस्ट्री इज वॉट? Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, which is headed by Mr. Ram Vilas Paswan. And if you talk about the current practice, so current practice मैंने आपको बता दिया कि current practice क्या है. Under the National Food Security Act 2013, जो rice है, wheat है और coarse grain है उनको subsidized rate पे लिया जा सकता है. Rice at the rate of rupees 3 per kg,
वीट एट रुपीज 2 पर केजी एंड कोर्स ग्रेन एट रुपीज 1 पर केजी, राइट। और ये सारा का सारा जो रेशन है वो केवल डेजिग्नेटेड एफपीएस से लिया जा सकता है एज पर द करंट प्रैक्टिस, जो कि अभी करंट प्रैक्टिस चल रही थी बिफोर वन नेशन वन रेशन कार्ड। बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम क्या होगा कि अब जो बेनिफिशियरी है वो कहीं से भी जाके ले सकता है, बस उसके पास क्या होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए जो कि लिंक्ड होना चाहिए आधार कार्ड से, राइट। अब बेनिफिशियरी विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड फॉर दैट राशन कार्ड मस्ट बी लिंक टू आधार एंड दिस विल बी डन विद द इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस इंस्टॉल्ड एट द फेयर प्राइस शॉप्स, राइट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर गाइज। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है एंड देर आर नो डाउट्स। सो दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ जून 2019 और ये टारगेट रखा गया था कि 1 जून 2020 तक पूरे नेशन में वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को रोल आउट कर देंगे, बट बिकॉज ऑफ COVID-19 सिचुएशन जो पैंडेमिक आया पूरी दुनिया में उसकी वजह से इसकी जो डेडलाइन है उसको बढ़ा के मार्च 2021 कर दिया गया है। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड, जो डेडलाइन है इसकी वो कितनी कर दी गई है, मार्च 2021, ओके। एंड द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस, सो एक राशन कार्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट किया गया है बाय द गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको कहा गया है दैट राशन कार्ड्स के अंदर जो भी लैंग्वेज होगी दैट विल बी बाइलिंगुअल, ओके। द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन द रेशन कार्ड शुड बी बाइलिंगुअल, एक होगा लोकल लैंग्वेज में और दूसरा होगा या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, ओके। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर रेशन कार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड, रेशन कार्ड्स विल बी इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट इन लोकल लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश और हिंदी। एंड जो रेशन कार्ड नंबर होगा दैट विल बी अ 10 डिजिट नंबर, जिसमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होंगे दैट विल बी स्टेट कोड एंड द नेक्स्ट 2 डिजिट्स विल डिनोट द रेशन कार्ड नंबर और जो बाकी डिजिट्स होंगे गाइस वो रैंडम होंगे, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं जो भी सिस्टम अलॉट करेगा। एंड द एसोसिएटेड चैलेंजेस, सो गाइस इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है एक्सक्लूजन एरर का। सो एक्सक्लूजन एरर के में अगर हम बात करें, सो देर आर वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिनके पास आज भी राशन कार्ड नहीं है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट ट्राइबल एरियाज, तो ट्राइबल एरियाज के कई लोग ऐसे हैं जहाँ पे आज भी राशन कार्ड नहीं है, और जो बिल्कुल रिमोट एरियाज की कुछ भी, अभी भी ऐसे कुछ रिमोट एरियाज हैं हमारे देश में जहाँ पे राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है और कई लोगों के पास अभी भी राशन कार्ड नहीं है। सो अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं होगा देन दे विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एक्सक्लूजन एरर इज दैट कि जो लेबरर्स होते हैं उनका जो फिंगरप्रिंट्स होता है वो काम करते करते, या जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनका काम करते करते जो फिंगरप्रिंट्स है वो चेंज हो सकता है, फेड हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ आधार कार्ड जो उन्होंने फिंगरप्रिंट रजिस्टर कराया था वो नेक्स्ट टाइम, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ वर्किंग जो उनका काम है वो इस तरीके का है कि नेक्स्ट टाइम वो फिंगरप्रिंट्स मैच ना हो। सो दिस इज अ मेजर इशू इफ यू टॉक अबाउट द लेबरर्स और द डोमेस्टिक हेल्पर्स, ओके। सो दिस इज अबाउट द एक्सक्लूजन एरर। एंड लॉजिस्टिक इशूज बहुत सारे हैं। अब देखो होता क्या है कि जो फेयर प्राइस शॉप है उनको तो जितना उनके पास डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स हैं, जितने उनके पास डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स हैं उनके हिसाब से उनको राशन दे दिया जाता है। लेकिन अब वन नेशन वन रेशन कार्ड के बाद क्या होगा कि कोई भी पर्सन जाके किसी भी डेजिग्नेटेड किसी भी एफपीएस से जाके वो अपना राशन ले सकता है, तो जिसकी वजह से होगा ये कि कुछ एफपीएस ऐसे होंगे जिनको एक मंथ में जो भी अलॉटेड उनका राशन होगा उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको कम देना पड़ेगा। सो ये लॉजिस्टिकल इशूज़ है, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा। एंड देर इज अ लैक ऑफ डेटा कि कौन सा रूरल कौन सा वर्कर कब कहाँ पे माइग्रेट कर रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अगर हमारे पास लेबरर्स की जो माइग्रेंट है उनकी जानकारी नहीं होगी तो हम जो फेयर प्राइस शॉप्स है उनको कितना राशन अलॉट करना है एक मंथ में वो उसका हिसाब लगाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, राइट। एंड नाउ गाइज अपडेट्स ऑफ द स्कीम। सो अभी तक अगर मैं 5 अगस्त 2020 की बात करूँ तो अभी तक 24 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टेट्स में या रिस्पेक्टिव यूटी में इस स्कीम को रोल आउट कर दिया है, राइट। सो 24 स्टेट्स हैं और बाकी जितने भी बचे हुए स्टेट्स और यूटीज हैं उनको मार्च 2021 तक का टाइम दिया गया है कि उन सभी को अपने स्टेट्स के अंदर इस स्कीम को रोल आउट करना पड़ेगा, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो वी ऑल नो दैट दिस एक्ट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2013 एंड दिस गिव्स लीगल एंटाइटलमेंट टू द 67% ऑफ द पॉपुलेशन टू रिसीव हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। 67% पॉपुलेशन को ये हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है एंड इट वॉज इनएक्टेड इन द ईयर जुलाई 2013, ओके। एंड इसके अंदर जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं दे गेट 5 kg पर पर्सन पर मंथ एंड जो डबल ए वाई फैमिलीज हैं दे गेट 35 kg पर फैमिली पर मंथ एट ₹1, ₹2 एंड ₹3 पर kg कोर्स ग्रेन वीट एंड राइस रिस्पेक्टिवली, ओके। सो ये आपको रेट याद रखने चाहिए बिकॉज हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए
एंड ये जो लिमिट है ये भी आपको पता होनी चाहिए, प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए 5 kg पर पर्सन पर मंथ है और डबल ए वाई फैमिलीज के लिए कितना है 35 kg पर फैमिली पर मंथ। ओके एंड नाउ द पीडीएस। सो गाइस पीडीएस सिस्टम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1947, बहुत पुराना है ये, बट इट वॉज रीलॉन्च्ड एट टारगेट पीडीएस इन द मंथ ऑफ जून 1997। और ये क्या करता है, टीपीडीएस एम्स एट प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन एट हाईली सब्सिडाइज रेट, और जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं उनको कम सब्सिडाइज रेट पे ये राशन प्रोवाइड कराता है। राइट, सो दिस इज अबाउट द पीडीएस। एंड नाउ देर आर सम अदर इनिशिएटिव्स आल्सो गाइस विच आर बेस्ड ऑन वन नेशन, लाइक वी हैव वन नेशन वन फास्टैग, आप सबने सुना होगा गाड़ियों के ऊपर फास्टैग लगाना कंपलसरी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड जो कि बस में भी चलेगा, मेट्रो में भी चलेगा, रेलवे में भी चलेगा, सब जगह चलेगा, वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, देर इज वन नेशन वन टैक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारे देश में। सो दीज आर सम अदर इनिशिएटिव्स विच आर बेस्ड ऑन वन नेशन पॉइंट। ओके एंड नाउ गाइस आई होप आपको ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं क्लियर है, वन नेशन वन रेशन कार्ड को क्यों लॉन्च किया गया ये क्लियर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर वन इज टू अलाउ पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट वन नेशन कार्ड स्कीम इन द होल कंट्री बाय विच ईयर। ओके कब तक इसको लॉन्च करना है। सो गाइज द डेडलाइन इनिशियली वॉज 1 जून 2020, पहले इनिशियली डेडलाइन कितनी थी 1 जून 2020 थी, बट इट वॉज एक्सटेंडेड नाउ टू मार्च 2021। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर ऑपरेटिंग वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू यूज अ डैश स्टैंडर्ड रेशन कार्ड नंबर, जो स्टैंडर्ड जो रेशन कार्ड का नंबर होगा दैट विल बी अ 10 डिजिट नंबर। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट गाइस, ऑप्शन बी 10 डिजिट नंबर। अ बेनिफिशियरी गोज टू द अदर स्टेट फॉर 3 months एंड अवेल द बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन रेशन कार्ड इन दैट स्टेट, इफ ही और शी इज एलिजिबल टू टेक द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फॉर्मर स्टेट वाइल रिटर्निंग बैक, जब वो वापस लौटेगा तो क्या वो अपने पुराने वाले स्टेट से राशन जो है अवेल करा सकता है या नहीं करा सकता है। तो यस गाइज बिल्कुल अवेल करा सकता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी वॉट, ऑप्शन ए येस विदाउट एनी ऑब्स्टेकल ही कैन अवेल द राशन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट। वट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वन नेशन वन रेशन कार्ड, सो करप्शन इज वन ऑफ द चैलेंज, लैक ऑफ डेटा ऑन मोबिलिटी ऑफ माइग्रेंट्स, लेस आधार कार्ड होल्डर्स, टेक्निकली वीक सिस्टम इन सम स्टेट, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लाइक वन नेशन वन रेशन कार्ड देर आर सम अदर स्कीम इम्प्लीमेंटेड ऑन द सेम थीम विच इज नॉट वन अमंग देम, सो वन नेशन वन फास्टैग इज देयर, वन नेशन वन टैक्स इज देयर, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड एंड वन नेशन वन रेशन कार्ड जो कि हमने पढ़ा, वन नेशन वन सैलरी जैसा कुछ नहीं है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर गाइस विल बी व्हाट, ऑप्शन डी वन नेशन वन सैलरी। राइट एंड गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन, आई होप यू लाइक इट, फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड फॉर मोर सेशंस लाइक दिस डू बाय आवर पेड कोर्सेज ऑफ आरबीआई सेबी नाबार्ड एंड यूजीसी नेट। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।